जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आ रहा हूँ जी, हमजा से आ रहा हूँ, पंजरा पास गया हुआ था, गुजरा वाला जा रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली, एक तो मैंने सुना था कि मानसरदा का लोड है, दूसरे नंबर साहब मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट नहीं चलता ना, इसके हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे? अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन फ्रॉम छत्तर प्लेन एरिया डिस्ट्रिक्ट मानसेहरा। तो फ्रेंड्स, ये मेरी नॉर्थ पाकिस्तान सीरीज़ की आखिरी वीडियो होने वाली है आज, और आज मैं वापस वज़ीराबाद अपने घर की तरफ जा रहा हूँ, और उम्मीद है कि आज रात को किसी वक्त मैं वज़ीराबाद पहुँच जाऊँगा। जिस जगह पर इस वक्त मैं हूँ, यहाँ से वज़ीराबाद का मेरे घर का फासला बनता है तकरीबन 400 किलोमीटर, जिसमें से कुछ पहाड़ी इलाके का एरिया है जिसमें टाइम ज़्यादा लगेगा मुझे। जैसे मैदानी इलाकों में पहुँचूँगा तो टाइम इंशाल्लाह फिर कम लगेगा। और ये सामने मोटर पर पुलिस खड़ी है, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं इनसे, अगर ये जाने देते हैं यहाँ टनल से तो टाइम बहुत ज़्यादा बच जाएगा, तो देखते हैं ये क्या कहते हैं। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर। मैं आ रहा हूँ जी, हमजा से आ रहा हूँ, पंजरा पास गया हुआ था, गुजरा वाला जा रहा हूँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी स्पेशली, एक तो मैंने सुना था कि मानसरदा का लोड है, दूसरे नंबर साहब मेरा टाइम बच जाएगा, इसलिए मैंने रिक्वेस्ट की थी, आपसे भी रिक्वेस्ट है कि रिक्वेस्ट तो नहीं चलता ना, इसके हम नहीं कर सकते हैं, तो हम कैसे? तो नाज़रीन, वही हुआ जो कि नहीं होना चाहिए था, यानी कि मोटरवे से जाने की हमें इजाज़त नहीं मिली, और मुझे भी जाना पड़ रहा है पहाड़ के ऊपर की तरफ, जो हज़ारा मोटरवे या हज़ारा हाईवे जिसको हम कह सकते हैं, वो टनल के रास्ते वहाँ से सिर्फ 4-5 मिनट में आप आगे जा सकते हैं पूरे पहाड़ को क्रॉस करके। लेकिन अब मुझे उसी पहाड़ को, जो मैं टनल के अंदर से जल्दी जा सकता था, अब उस पहाड़ की चोटी की तरफ मैं जा रहा हूँ। पहले मैं उस पहाड़ की चोटी के ऊपर जाऊँगा, फिर वहाँ से नीचे उतरूँगा और आगे की तरफ जाऊँगा, तो उसमें कितना टाइम लगेगा मैं कुछ कह नहीं सकता। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की, लेकिन वो जो ऑफिसर वहाँ खड़े थे उन्होंने वो रिक्वेस्ट नहीं मानी। वो कहते हैं कि 1500 रुपये इसका चालान है, तो चालान तो उन्होंने नहीं किया, लेकिन उन्होंने मुझे रास्ता बताया कि आप इस रास्ते से ऊपर जाके आगे जा सकते हैं, तो मैं जा रहा हूँ। तो अभी हमारा 400 किलोमीटर का लंबा सफ़र वो लंबा होने वाला है, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। बाकी मैं पहाड़ की चोटी पर ऑलमोस्ट पहुँच चुका हूँ, यहाँ पर एक अच्छी सी जगह देखते हैं और यहाँ पर थोड़ी देर यहाँ पर रुकते हैं, इस जगह को देखते हैं, बड़ी खूबसूरत जगह लग रही है, लेकिन सफ़र हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है। तो इलाका तो बड़ा खूबसूरत है, लेकिन अब देखें मैं पहाड़ के ऊपर आ गया हूँ, देहातों के अंदर से ये छोटी सी सड़क है, इसके ऊपर मुझे ट्रैवल करना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। मैंने आज वैसे भी कोई 400 किलोमीटर का सफ़र मैंने करना था, तो ये उससे थोड़ा ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अब जो रूल बने हुए गवर्नमेंट की तरफ से उनको फॉलो करना ही पड़ेगा। वैसे मैं टूल प्लाजा से जब गुजरा था, अगर यहाँ पर लोड नहीं है तो इन लोगों को मुझे टूल प्लाजा भी मना कर देना चाहिए था कि आप यहाँ पे नहीं जा सकते। एक बार फिर मैं वापस कहना चाहता हूँ कि बाइक्स जो है मोटरवे पे अलाउड होनी चाहिए, अगर आप टूरिज्म को प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ कुछ देर रुकते हैं, इस इंशाल्लाह उसके बाद आगे अपना सफ़र जारी रखें। ये जी नीचे हज़ारा मोटरवे जिसको कहते हैं वो है, मैं इसको हज़ारा हाईवे कह रहा हूँ, हज़ारा मोटरवे या हज़ारा हाईवे, ये है नीचे, यहाँ से बड़ी खूबसूरत लग रही है। मैं पहाड़ के ऊपर आ चुका हूँ, तो जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था कि मैं बिशाम से अपनाबाद जा रहा था, तो बिशाम से अपनाबाद जाते हुए आगे आ गई हज़ारा मोटरवे या हज़ारा हाईवे, तो मैंने हज़ारा हाईवे पकड़ ली और उसके ऊपर मैं आ रहा था। तकरीबन कुछ 40 किलोमीटर का सफ़र शायद मैंने कर लिया होगा तकरीबन मेरे अंदाजन, तो आगे जाकर टूल प्लाजा आया है वो भी क्रॉस कर लिया, उसके बाद ये टनल एक आई आगे, तो वो जो टनल है वो जब मैं क्रॉस करने लगा हूँ तो वहाँ पे एक बड़ा खड़ूस किस्म का खड़ा हुआ था ट्रैफिक वाला, तो उसने मुझे रोका और कहता कि अलाउड नहीं है जाना अंदर। मैंने उसको बताया कि मैंने बहुत दफ़ा सुना है ये चीज़ कि मानसरदा तक जाना अलाउड है, बहुत सारे लोग गए भी हैं जिनसे मेरी बात हुई है, तो मुझे मानसरदा तक जाने दे, मैं हुंजरा पास से हमजा से आ रहा हूँ, गिलगित बल्तिस्तान से, और मैंने जाना है डिस्ट्रिक्ट गुजरांवाला, वज़ीराबाद जाना है मैंने, तो मुझे आप जाने दें। मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट उनसे की, लेकिन उसने भी वही बात की जो कि
और उस वहाँ पर कश्मीर में क्रिकेट स्टेडियम में वो आईजी था या जो भी था जिस किसी ने वो मेरे साथ बात की पुलिस अफसर ने, जब मैंने थोड़ा सा उसको बताया कि मैंने सुना है कि मानसिरा तक जा सकते हैं और जाते भी हैं लोग, वीडियोस मौजूद हैं कि बाइक पर लोग मानसिरा तक लोगों ने ट्रैवल किया। और दूसरी बात कि जब मैं मोटरवे के ऊपर आने लगा था उससे पहले पीछे एक पुलिस नाका था, मैंने वहाँ पुलिस वालों से पूछा कि क्या मैं मोटरवे यूज़ कर सकता हूँ, तो उन्होंने कहा था बिल्कुल आप मानसिरा तक मोटरवे यूज़ कर सकते हैं, उसके बाद नहीं। तो मैं उन पुलिस वालों से पूछने के बाद ही हज़ारा मोटरवे पे आया था, ये मोटरवे पीछे है, तो इसके ऊपर मैं पुलिस वालों से पूछने के बाद ही आया था। लेकिन उसने मुझे यही कहता है रही आप, उसने ये वही बात उसने की जो कश्मीर में की थी उसने पुलिस ऑफिसर ने क्रिकेट स्टेडियम में, मुजफ्फरबाद क्रिकेट स्टेडियम में, कह रही आप पढ़े लिखे होकर बहस कर रहे हैं, तो बहस नहीं की थी, नहीं बहस नहीं थी कि मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी। बहरहाल जी उसने मुझे दूसरा रास्ता जो मैंने पूछा तो मुझे किसी ने बताया कि छतर प्लेन के आप ऊपर जाएँ पहाड़ी के, वहाँ से आगे जीटी रोड आपको मिलेगा, तो ये है नीचे हज़ारा मोटरवे, हज़ारा हाईवे, और ये वादी देखें, बहुत ही खूबसूरत वादी है, बहुत खूबसूरत मंजर है, बड़े खूबसूरत घर लग रहे हैं ये, और वादी है तो चारों तरफ पहाड़ है, घर भी खूबसूरत है। इस तरफ देखें, ये पाकिस्तान का ये जो इलाका है बाबूसा टॉप से नीचे नीचे, ये जितने पहाड़ हैं सरसब्ज हैं, खूबसूरत है, आगे वाले भी खूबसूरत है लेकिन उनकी अपनी खूबसूरती है। तो जी मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से ये छतर प्लेन की तरफ, और छतर प्लेन से मैं आगे जाऊँगा जीटी रोड पकड़ूंगा और आगे जाऊँगा अबटाबाद, अबटाबाद से आगे फिर रावलपिंडी और वज़ीराबाद की तरफ। तो सफ़र अपना जारी रखते हैं, यहाँ पे पहाड़ी के ऊपर आना था तो मेरे लिए मुश्किल है कि मैं आ गया हूँ, तो सफ़र अपना भी जारी रखते हैं आगे, रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, ये याद रख। तो नाज़रीन मैं छतर प्लेन के इस खूबसूरत एरिया में जहाँ मैं रुका हुआ था वहाँ मैंने मुख्तसर सा फ़ोटो शूट किया है, और वहाँ से मैं रवाना हो चुका हूँ आगे, और लगातार चढ़ाई है, ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ मैं। बाबूसा टॉप की चढ़ाइयाँ इसके आगे क्या है, 70cc बाइक है, 74 किलो मेरा वज़न है, सामान भी है, आलमोस्ट 100 किलो के लगभग वज़न है, 82 किलो की बाइक है, तो 82 किलो की बाइक के ऊपर तकरीबन 100 किलो का वज़न है, यानी तकरीबन 2.5 मन का वज़न। तो ये बाइक लगातार ऊपर जा रही है, तो आप देख लें कि कितनी हिम्मत है इस बाइक की। तो मैं लगातार ऊपर की तरफ जा रहा हूँ, चढ़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही, लेकिन जगह बहुत खूबसूरत है, हरियाली है हर तरफ, बहुत खूबसूरत जगह है।
तो देखते हैं कि कहाँ तक जाके हमारी ये चढ़ाइयों का इम्तहान जो है वो चलता है। बहुत खूबसूरत जगह ये वाली डिस्ट्रिक्ट मानसेरा के अंदर, डिस्ट्रिक्ट मानसेरा वैसी बड़ी खूबसूरत जगह है। तो ठीक है, सफ़र अपने को जारी रखते हैं, इसको इंजॉय करते हैं। हर मुश्किल में कुछ ना कुछ आसानी भी होती है। अगर मैं मोटरवे से जाता, हाईवे से जाता हज़ारा वाली, तो हो सकता है कि ये जो खूबसूरत एरिया है, जो छतरपिल का टॉप है, ये शायद ये मैं ना देख पाता। अल्लाह ताला ने मुझे ये दिखाना था, मैंने वहाँ बड़ा अच्छा टाइम गुजारा, वहाँ बैठा मैं, फ़ोटोशूट किया, वीडियो बनाई जिस जगह पर था। पूरी वादी दूर तक, आलमोस्ट मेरा ख्याल है कुछ 40-50 किलोमीटर दूर तक मुझे दिखाई दे रहा था, और मैं वो देख रहा था सारे मंजर को। अब ये देखें, आलमोस्ट मैं पहाड़ की चोटी के ऊपर छतरपिल के पहुँच चुका हूँ, और देखें अभी भी ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ मैं, और रोड ऐसे स्टीप ऊपर जा रहा है बिल्कुल। नीचे देखें वादी कितनी नीचे रह गई है, और मैं लगातार ऊपर ही जा रहा हूँ मैं इस छोटी सी बाइक के ऊपर सफ़र तय करता हुआ। आसमान बड़ा खूबसूरत यहाँ पे लग रहा है, पहाड़ बहुत खूबसूरत है, हरियाली है हर तरफ, सब कुछ बहुत ज़बरदस्त है। लेकिन सिर्फ क्या होगा कि थोड़ा टाइम मेरा ज़्यादा लगेगा, बल्कि काफ़ी ज़्यादा लगेगा। दासु में मुझे, जिनके पास मैं रुका था, उन्होंने मुझे बता दिया था कि अगर आप मोटरवे से जाएंगे, हज़ारा हाईवे से जाएंगे, तो आपका 3-4 घंटे का सफ़र कम हो जाएगा। इसका मतलब है वो 3-4 घंटे का सफ़र वापस मेरे टाइम ड्यूरेशन में ऐड हो गया है। और देखिए मैं पहाड़ की चोटी पे लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा हूँ, नीचे वादी नज़र आ रही है, बहुत खूबसूरत वादी है। तो चलते हैं आगे की तरफ और देखते हैं कि कहाँ तक जाती है ये रोड। उम्मीद है कि टॉप पे आलमोस्ट मैं पहुँचने वाला हूँ, जहाँ से आगे फिर नीचे की तरफ जाऊँगा मैं। ये जीटी रोड है जी डिस्ट्रिक्ट मानसेरा में, और यहाँ से आगे मैं जाऊँगा डिस्ट्रिक्ट मानसेरा की तरफ, अहमदाबाद की तरफ, और उससे आगे अपना सफ़र कंटिन्यू रखूँगा मैं रावलपिंडी की तरफ। तो रात तो हो जाएगी, तो आज मुझे अपने एक रूल शायद तोड़ना पड़ेगा कि मैं शाम के वक्त, रात के वक्त ट्रैवल नहीं मैंने करना था, लेकिन अब मुझे लगता है कि आज मुझे करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं रुक सकता था, या शायद आगे भी मानसेरा अहमदाबाद में भी रुक सकता हूँ मैं, लेकिन शायद मैं ना रुकूँ। उसकी वजह यह है कि उसका चांस बहुत कम है मेरे रुकनेगा। वजह उसकी ये है कि अहमदाबाद पहुँचने तक शायद मैं पहाड़ों से उतर चुका होगा, वहाँ के प्लेन एरिया बहुत नज़दीक होगा। अहमदाबाद से आगे हरिपुर जाते हुए आगे सारा प्लेन एरिया है, तो पहाड़ों में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जैसे मैं प्लेन एरियाज में पहुंचूंगा, तो वहाँ पे सड़कें सीधी होंगी, तो मैं एक स्पीड मेंटेन कर सकूंगा, तो स्पीड जो है वो मेंटेन रख सकूंगा, तो मुझे वहाँ पे जो फासला है वो जल्दी तय होगा। तो अगर ये सारा पहाड़ी इलाका होता तो वज़ीराबाद तक, तो हो सकता है कि मैं मानसेरा के आसपास कहीं मैं स्टे कर लेता, लेकिन क्यों आगे मैदानी इलाका आ जाएगा, तो इसलिए मैं शायद ना रुकूँ और आज मैं रात के वक्त ट्रैवल करूँ। तो उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला ये सफ़र मेरा खैर खैरियत से महफूज मुझे सैरखरी से गुजार देगा, मुझे सेफली वज़ीराबाद तक पहुंचा देगा घर तक। बाकी रात के वक्त ट्रैवल करना नहीं चाहिए, रिकमेंडेड नहीं है ये, लेकिन आज मुझे करना ही पड़ेगा। तो बड़ी खूबसूरत जगह पे पहुंच गया है जी। देखें ये फार्म हाउस है, कोई खेत है, सब्जियां उसमें उसके अंदर बीजी हुई हैं, साइडों पर देख सकते हैं आप। बहुत ही खूबसूरत जगह है, नज़ारों को इन्जॉय करते हैं और अपने सफ़र को आगे कंटिन्यू रखते हैं जी।
नाम क्या है? बेदादी तकी। बेदादी, अच्छा। सर जी, मैं गिलगित से वापस गुजरांवाला जाते हुए यहाँ बेदादी मानसेरा के पास एक जगह यहाँ पर रुका हूँ। ये भाई हैं, इनसे मैंने हैंड फ्री भी खरीदी है, इनके पास रुका हूँ। बड़े अच्छे हैं ये, बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे गाइड भी किया है मैंने आगे के लिए। और जनाब, मैंने अपने चैनल की प्रमोशन भी साथ में कर दी है, और भाई मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं। उन्होंने कहा आप खुद करें, क्योंकि इनको मेरे वो नाम की स्पेलिंग की समझ नहीं आ रही थी, KHARL खरल। वैसे पूरा नाम है कैसर खरल द ट्रैवलिंग जट, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ कैसर खरल को सर्च करें फिर भी आ जाएगा। तो ये भाई का फ़ोन है, उसके ऊपर मैं सर्च करके अपने एक सब्सक्राइबर का इजाफा कर रहा हूँ। आपका नाम क्या है? माज हुसैन। ये माज हुसैन है जी, इनका यहाँ पे मानसेरा से थोड़ा पहले अगर इस साइड से अगर आएँ, शिंग्यारी साइड से अगर आएँ, तो इनकी यहाँ पे दुकान है इनकी। जी जी, ये क्या नाम है दुकान का जी? हसनैन कंप्यूटर शॉप। हाँ, हसनैन कंप्यूटर शॉप है। कोई आपको एक्सेसरी चाहिए हो यहाँ पे, मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में मिलती होगी मेरा ख्याल, वो आप यहाँ से ले सकते हैं। मैं अभी आ रहा था बल्तिस्तान से, तो मुझे एक हैंड फ्री की ज़रूरत थी, तो मैंने बाइक से खरीदी है यहाँ पे। लेकिन लगता है इंटरनेट का कोई प्रॉब्लम है, तो हम कर लेते हैं उसके बारे में सब्सक्राइब इसको। तो नाज़रीन, मैं पहुंच चुका हूं मानसेहरा, और मानसेहरा से वज़ीराबाद का फासला बनता है तकरीबन 350 किलोमीटर, जो कि मुझे आज ही तय करना है। तो नाज़रीन, पिछले काफ़ी टाइम से एबटाबाद शहर चल रहा है, एबटाबाद शहर में एंटर हो गया था, लेकिन ये एबटाबाद शहर ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और जो लोग ये कहते हैं कि शुमाली इलाकों से वापस आते हुए एबटाबाद शहर की बजाय मुजफ़्फ़राबाद की तरफ जाना चाहिए, तो वो मेरा ख्याल सही कहते हैं, क्योंकि एबटाबाद में बंदा वाकई ट्रैफिक में फंस जाता है। छोटी सड़क है, रश बहुत ज़्यादा है, तो काफ़ी देर से मैं एबटाबाद शहर में यहाँ पर घूम घाम रहा हूँ, उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ, अभी तक क्रॉस हुआ नहीं है। तो शुमाली इलाकों से अगर आप आ रहे हैं और आप मुजफ़्फ़राबाद साइड से अगर आप जा सकते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर है। ये वाकई गुंजानबाद इलाका है, अब मैदानी इलाके आस-पास आकर जगह शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे रश ज़्यादा होगा, तो वो ज़्यादा बेटर है मुजफ़्फ़राबाद वाली साइड। मैं वहाँ उस तरफ से गया था, तो वहाँ रश वाकई कम था, लेकिन यहाँ तो रश बहुत है, रोड छोटा है, देखिए कितना रश है। ये तो सफ़र अपना जारी रखेंगे आगे, इंशाल्लाह यहाँ से
एबटाबाद से हरिपुर की तरफ आकर टैक्सला, टैक्सला से जीटी रोड और जीटी रोड से सीधा वजीराबाद। पास गया था मैं और वहाँ से वापसी जा रहा हूँ। जी सोनू किया था मैंने, किया वजीराबाद डिस्ट्रिक्ट वजीराबाद। ठीक है, आप कहाँ से? आप गुजर खान से? माशाल्लाह। कहाँ गए थे? शरान गए थे आप? ठीक ठीक सही है जी, बिल्कुल। आपकी बाइक तो माशा बड़ी है, मैंने तो 70 पे कर दी है, इसका क्या मसला है? अच्छा, बॉक्स में से मेरा भी बॉडी के बाहर ही है इसके, और बना उसमें भी काफ़ी सारा है। मैंने मेन तुम्हारा बॉक्स में रखा नहीं, मैंने ऑफ रोड नहीं किया। मैंने ये तय किया था कि ऑफ रोडिंग के लिए है ही नहीं, मैंने ये तय किया था कि जहाँ जहाँ रोड जाएगा मैं जाऊँगा, ऑफ रोडिंग बिल्कुल ही करूँगा। खतरनाक है, और सोलो तो बिल्कुल ही खतरनाक, ज़्यादा खतरनाक है। जब भी आप अकेले जाएँ सोलो जाएँ, मैंने कुछ रूल्स बनाए थे उनको फॉलो किया, बचत हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, सोलो का अपना मजा, जब मर्जी रुको जब मर्जी चलो। दूसरे नंबर मैं हूँ यूट्यूबर, मैंने वीडियोज़ बनानी होती है, वो साधे बंदे हो तो बंदे तंग होते हैं कि यार ये बार बार रुकना, बार ये काम है मेहनत का, ये ऐसे होता नहीं है। 5-10 मिनट की वीडियो, 15 मिनट की वीडियो, आपको उसके पीछे मेहनत कितनी है वो लोगों को पता नहीं होता उसका, कि कितना टाइम लगाना पड़ता है, कितना रिस्क लेना पड़ता है उसके लिए। जी चैनल का नाम, मेरा नाम सही है, मेरा नाम है कैसर खरल, कैसर खरल, क्यू ए आई एस आर कैसर, इसी नाम से चैनल है मेरा। अब मैंने नाम से चेंज किया है क्योंकि पहले मैं दुबई में था तो मिक्स था सारा, ट्रैवलिंग ये वो सब। अब पाकिस्तान आ चुका हूँ और 1.5-2 साल का वक्फा भी आ चुका है, दोबारा चैनल को दोबारा भी रिस्टार्ट कर रहा हूँ अभी मैं, तो अभी नाम रखा है मैंने कैसर खरल जी। नहीं, इस साइड का पहली बार की है, बाकी मुल्तान ये मेरा ज़्यादा टाइम गुजरा पाकिस्तान से बाहर। मैं दुबई, कुवैत, सऊदी अरबिया, बहरीन, कतर, ये सब मैं घूमा हूँ, मिस्र भी गया था मैं, तो आज 10वां दिन है मुझे जी। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, मेरी तो बिल्कुल जो रोड है ये प्रॉपर बाइक है, ये वहाँ तक जाता है और बेहतरीन रोड है। जैसे प्रॉपर बाइक साहब हटेंगे तो रोड ख़राब हो जाएगा, वो चैनियों ने बनाया हुआ है वो सही है, अगर पाकिस्तानी बनाते हैं तो ये भी ख़राब होता है जी। जी कुछ सहूलियात की कमी है, बाकी होटल हर जगह मिल जाते हैं। मैं तो कैंप ही लेके आता हूँ। नहीं नहीं, कैंपिंग में नहीं कर सका, एक दिन भी नहीं की मैंने कैंपिंग, उसकी वजह ये है मैं पंजाब से गया था जी, मैं सब कुछ लेके आता, मेरे पास बर्तन भी है, खाना बनाने का सामान सब कुछ लेके गया था मैं। मैंने ये प्लान किया था एक दिन कैंपिंग करूँगा, एक दिन होटल में रहूँगा ताकि नहा धो के फ्रेश भी हो जाए और कुछ और जो काम होते हैं इंसान जो कर सकता है चलो। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचा तो नाक बंद, गला बंद, खुश्क सर्दी थी, उसकी वजह से मैंने कैंपिंग नहीं की। जो सबसे महंगा होटल लिया मैंने वो 2500 में था, बाकी 1500 में मोस्टली मिलते हैं मुझे, 1500-2000 तो नहीं बताया, लेकिन उनका बिजनेस होता है ना। आए आपको खाना खिलाएं, क्या नाम है आपका? राजा अकील है। तो आप ऐसा करें मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लें, रहा रहेगा आप इंशाल्लाह। मैं टैक्सला चौक पहुंच गया हूं, ये सामने है पेशावर और पिंडी जी टी रोड, ये सामने बाइक खड़ी हुई है, बहुत तेज़ बारिश थी, मूसलाधार बारिश थी, 30
किलोमीटर मैंने बारिश में किए हैं, तो अब यहाँ रुकने का फ़ायदा कोई नहीं है, चलते हैं सीधा पिंडी की तरफ। बारिश थोड़ी कम हुई है लेकिन हवा बहुत तेज़ चल रही है। एक गैस स्टेशन पर रुका हुआ, मेरा यहाँ पर कोई इरादा नहीं है, कोई मैं आगे जाऊँगा, चलते हैं आगे सर। एरियर के हो सकता है कि 10 किलोमीटर बाद आगे बारिश हो। बाइक खड़ी है बाहर, और चाय आ गई है। शनवारी रेस्टोरेंट, शनवारी रेस्टोरेंट गुजर खान। तकरीबन 11:15 हो गए हैं, 10:03 तक पे चले थे हम रावलपिंडी से, और 10:39 पे हम यहाँ पहुँच गए हैं। तो गुजर खान में इस वक्त रेस्टोरेंट में ये चाय पीते हैं, और इंशाल्लाह उसके बाद आगे सफ़र का आगाज़ करते हैं वापस। हाँ जी, चाय पी ली है, 11:00 और उम्मीद है कि तकरीबन 1:30 पौने 2 तक लगभग वज़ीराबाद पहुंच जाएंगे। धूल मट्टी गर्द गुबार, उसकी वजह से एक बार फिर से नाक का बुरा हाल है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं जितना वहाँ पे था नॉर्दर्न एरियाज़ में, वहाँ तो ठंड की वजह से था, यहाँ गर्द और गुबार की वजह से है। तो रेडी है बिल्कुल, चलिए सफ़र का आगाज़ करते हैं आगे। अगला स्टॉप लेंगे जी हम जेहलों में या खारियों में। तो नाज़रीन और सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह मैं सैकड़ों हज़ारों किलोमीटर का सफ़र तय करके गिलगित बल्तिस्तान से पंजाब पास चाइना बॉर्डर से वापस अपने शहर वज़ीराबाद पहुंच गया हूं। ये पीछे वज़ीराबाद गेट है, इस टाइम अंधेरे में ठीक बात नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैंने अपने सफ़र का आगाज़ यहीं से किया था और अपने सफ़र का अख्ताम भी यहीं से कर रहा हूँ। ये जो सीरीज़ थी ज़िंदगी जेलें सीरीज़, मेरी नॉर्थ की सीरीज़ नॉर्थ ऑफ पाकिस्तान की सीरीज़, वो यहाँ पे ख़त्म होती है, उसका एक हिस्सा ख़त्म होता है, ये चलता रहेगा सिलसिला इंशाल्लाह। तो इस सीरीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं, रात के तकरीबन 1:30 रहे हैं, मैं वज़ीराबाद पहुँच गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और मैंने 2 लगातार सफ़र किया, इसमें से 4 मैं सोया हूँ और बाकी मैं सफ़र ही करता रहा हूँ। और ये वैसे सफ़र था 4 का, 4 का सफ़र को मैंने 2 में ख़त्म किया है, हमजा से यहाँ तक आना, हमजा के वो आखिर से यहाँ तक आना 2 में, ये ऑलमोस्ट नामुमकिन था मेरे लिए। तो कर लिया है, तो ठीक है इंशाल्लाह इस चीज़ को यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपको मेरा सारी इसकी वीडियोस पसंद आई होगी। मैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस अपने शहर वज़ीराबाद पहुंच गया हूँ, वज़ीराबाद गेट ये पीछे है, यहीं से मैंने इस चीज़ का आगाज़ किया था। तो मिलते हैं किसी अगली सीरीज़ में, तब तक अल्लाह हाफिज़। अगर आप इस तरह की वीडियोज़ और देखना चाहते हैं चैनल को, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट सीरीज़ में, अल्लाह हाफिज़।